आर्मी पर्सन बंगाल इंजीनियर था। मेरी मैटी नूं तकरीबन 20 साल हो गए सी साडे बेबी नहीं होने करके मैं काफ़ी इधर उधर भट गया। जलंधर विच भी मैं काफ़ी सर्च की पर मेरे बहुत ज़्यादा दुकाना होने करके मेरी समझ विच नहीं से आ रहा। फिर साढ़े करीबी रिश्तेदार डॉक्टर राज हुशियारपुर च ने मैं उन्होंने सलाह राय ली भी मैं की करा की है क्योंकि मैं जिंदगी तो बहुत दुखी सी, मेरे जीने का कोई सहारा नहीं सी और मैनू कोई हल नहीं लभ रहा। फिर उन्होंने मैनू मेरे तो एक हफ्ते की मोहरत फिर मंगी कि मैनू एक हफ्ता दो मैं थानू कोई अच्छे डॉक्टर बारे दसूँगा। फिर भी फिर इंतजार कर रहा सी, एक हफ्ता भी मेरा बीतन च नहीं आ रहा सी, अज हो गए कल हो गए अज हो गए कल हो गए, पर एक दिन वो आ गया जिस दिन उन्होंने मैं प्रधान होस्पिटल बारे जलंधर विच दसिया कि तुसी इत्थे जाके मिल के आ सकते हो। फिर मैं अपनी वाइफ नूं लेके इत्थे प्रधान होस्पिटल डॉक्टर विनेश कौर आया, उन्होंने मेरा पूरा मैनू भी गलबात करन तो ही पता लग जाता कि सही है या गलत है क्योंकि मैं भी इन्ने साल आर्मी में धक्के खाधे या की नौकरी की पर बच्चों तो बिना कुछ नहीं सी। फिर डॉक्टर साहब ने एक दिलासा दिता भी हाँ भी तुसी, मैं उन्होंने भी नाम लिया डॉक्टर हुशियारपुर वालों का राज होना का, उन्होंने मैनू सही राय दी तुसी अपना ट्रीटमेंट शुरू कराओ। अज बस जिस टाइम मेरा ट्रीटमेंट फिर शुरू हो गया पर मैं नाल ही नाल अपनी प्रॉब्लम भी बताई कि मैं आर्मी पर्सन है और इन्ना पैसा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता और मेरी जेकर हो सके डॉक्टर साहब हेल्प करो तो मैं इलाज करा सकता, नहीं तो मेरे बसों बाहर है इन्ना खर्चा। उन्होंने मैं पहला दसिया भी इन्ना खर्चा, फिर डॉक्टर साहब ने भी कहा कि असी थोड़े नाल और मैं जिनी भी हेल्प हो सकी थोड़ी करांगा और मैं नहीं मानता भी जिनी दुनिया च मैं डॉक्टर देखे कोई इन्नी हेल्प करता हो जिनी मेरी इन्होंने की। और फिर साडा ट्रीटमेंट चल पिया और मेरी तकरीबन मैं अक्तूबर में इन्होंने अक्तूबर 2013 इतने आया, इन्होंने मैं अक्तूबर 13-14 बुलाया भी तुम इस दिन मंगलवार आ जाओ और अपना इलाज जिस दिन फस्ट बार शुरू करवाया तो बोलिया सही है थानू पूरी विश्वास न मैं क्या भी थानू पूर्ण सफलता मिलेगी और मैं भी मैनू भी कोई दिलास मिलया मैनू भी कोई जीने का सहारा मिलया। और फिर साडा फस्ट विच ही साडी जिहड़ा डॉक्टर साहब ने पूरा ट्रीटमेंट चलाया इलाज किया और सानू फस्ट विच ही सक्सैसफुल मिलया और सानू इन्नी खुशी हुई जिस दिन दसंबर जनवरी विच ये कराया गया लास्ट 28-29 तरीक। फिर 14 जनवरी सानू ये खुशी मिली कि थोड़े दो बेबी ने और मेरा खुशी का भी कोई हल नहीं रहा उस टाइम कि मैनू परमात्मा जे नहीं इन्ने साल बाद मोड़े तो दो मोड़ रहे बच्चे और मैं बहुत खुश होया। डॉक्टर साहब के मूँह से टाइम भावें कोई लाँदा हो ना पर मैं पैरी हथ ला जाके सलूट मारता से पैरी हथ ला। फिर डॉक्टर साहब ने गां ट्रीटमेंट चलता गया मेरा वधिया हुंदा गया और मैनू कोई भी एडी प्रॉब्लम इतने नहीं आई। पैसे दुखों भी जो मेरे पास दवाइया के भी नहीं कई बार होंगे सी और डॉक्टर साहब मैं फ्री भी देंगे दवाई भी फ्री देनी और प्लस पैसे भी है तो कहना कोई नहीं अगली है। मैं दसना कि मैं पहली तरीक तो पहला मैं नहीं आ सकता हर बार 31st मेरी पे आनी है और पे इन्नी है मैं घर भी चला बच्चे भी है मेरे और इन्हों की भी दवाई तो मैं ये भी कंसेशन मिलता सी दवाइया भी लैस प्लस डॉक्टर परसों भी हेल्प और फ्री भी मेडिसिन जिनी भी हेल्प हो सके फुल मिली। मैं उन्होंने एहसान ही जिंदगी भर नहीं भुल सकता। फिर मैनू अगस्त विच मैं ड्यूटी के दौरान होंदे होया इत्थे तो मैं घट आ सकता सी फिर भी डॉक्टर साहब ने मेरा रहन का भी इत्थे इंतजाम किया जो कि बहुत खर्चा घट सी पहले तो काफ़ी दस्या गया जिदा बाकी है तो पर मेरे तो वो भी लैस लिया गया कि तेरे मैं कहते मैं इन्ना अफोर्ड नहीं कर सकता और मैं इत्थे रह नहीं सकता मैं आर्मी विच सर्विस करता और मैं दोनों तरफ नहीं देख सकता। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि एक तरफ इधर मैं करूँगा तू अपना उधर नौकरी भी देख
जिस टाइम छुट्टी मिले तो आना, उदा अदरवाइज मैं फोन पर ही लिंक रखता सी। फिर वो दिन आया जिस दिन साडा देवियां दा होया भी मैं भी छुट्टी लेके आ गया और दस्या गया कि 12 अगस्त 2014 मेरे ट्विंस बेबी एक बेटा बड़ा एक बेटी छोटी जो आज मेरे कोल ने वो मेरा खुशी का भी कोई हल नहीं। मतलब मैं जीने दे एक सहारा मिलया और जेड़ा जे मैं इन्ने साल कमाई की तो किहदे लई कीती वो इन्हां लई कीती सी, नहीं तो कमाई का भी कोई साधन नहीं। मैनू इत्थों जीवन की बहुत बहुत ज़्यादा खुशियां मिलियां और ये खुशियां मैं हरेक रिश्तेदार हरेक यार दोस्तों नाल और शेयर कीतियां। और मेरे एक गल होर सी कि मेरे छोटे ब्रदर दे लई कोई इलाज नहीं सी, जिन्हां ने अमेरिका विच रह रहे से सिटीजन उन्होंने उधर भी इलाज कराया और इंडिया च भी कराया पर नहीं उन्होंने पूरा पिया। और मैं 2014 नवंबर विच उन्होंने इत्थे बुला लिया, उन्हां दा भी ट्रीटमेंट प्रदान विच ही चलाया और उन्होंने भी यह सफलता मिली। अज वो भी प्रैगनेंट ने जिन्होंने 4 महीने हो गए ने और उन्हां दी भी खुशियां, उन्हां दी मैरिज नूं भी 13 साल हो गए सी पर साडे घर विच औलाद नहीं होण करके औलाद दी कमियां सी, अज शायद सानूं पूरियां हो रही हैं। वो भी मेरे नाल आए हुए ने, उत्थे बाहर बैठे ने, लैके आया मैं तुहानूं नाल। इन्हां दा डॉक्टर साहब का इन्हों बरदान पूरे स्टाफ का असं दे जिंदगी भर नहीं दे सकते।